पाठ 12 क्रिया। आकाश बाहर सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। माँ सब्जी खरीद रही हैं। उन्हें धनिया लेने को कह दो। दादी मैं पढ़ रहा हूँ, अविका से कह दीजिए। यहाँ दादी और आकाश आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, जिसमें क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे गीता हंसती है।